क्वार्टर फाइनल नंबर 4 मारवाड़ी विद्यालय के सामने होंगे आंध्र एजुकेशन सोसाइटी। पहली रेड के लिए तैयारी हो चुकी है, 7 का डिफेंस फुल स्टैक, पॉइंट्स निकालना जरूरी है लेकिन डिफेंस बाजी मारेगा। पर क्या दूसरी तरफ रेडर्स सॉलिड है, क्लेम तो है, बोनस ऑन है, लेकिन इस बार सभी आप देख रहे हैं एक चेंज है, बोनस के लिए उतना नहीं जा रहे खिलाड़ी, अगर कोई भी टच पॉइंट क्लेम हो रहा है तो उसके लिए जा रहे हैं और यहां पर क्लेम हुआ भी है। 4-3 का स्कोर है और आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी के पास एक छोटी सी लीड है जिसके बराबर आ जाएंगे अब। ओ नहीं, लीड खुद ले लिया मारवाड़ी विद्यालय। एक और जबरदस्त सामूहिक टैकल आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से। बहुत ही अच्छा अनुशासन, बहुत ही अच्छे प्रोसेसेस देखे हमने आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से हाफ टाइम पर, जिनके पास है 3 पॉइंट की लीड। ओशन, मुझे लगता है पहले हाफ की एक और कहानी है, वो है आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी के सेलिब्रेशन मूव्स जो हमें देखने को मिलेंगे अगर यहाँ टीम ऑल आउट हो जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ तो पासा पलटने की शुरुआत करने की कोशिश है मारवाड़ी विद्यालय की ओर से। आंध्र एजुकेशन सोसाइटी दूसरी तरफ सुपर टैकल सिचुएशन, पॉइंट्स क्लोजअप हो सकते हैं और रेड के लिए विघ्नेश पहुंच सकते हैं मिड लाइन तक, स्ट्रगल थी लेकिन पकड़ लिए गए वहीं पे और ये सुपर टैकल 2 पॉइंट्स दे जाएगा मारवाड़ी विद्यालय को। क्या ये कमबैक है? लगभग 4 मिनट का वक्त बाकी, मारवाड़ी विद्यालय 9 पॉइंट्स, आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी भी 9 पॉइंट्स। 9-9 का ये जो स्कोर लाइन है, अनमोल दुबे इसको बढ़ाना चाहते हैं और वो बढ़ा भी देंगे। अनमोल दुबे आए थे और हाई फाई लगाया अपना, उनके टैकल पॉइंट्स में इजाफे हो रहे हैं लेकिन ये 4 सेकंड का समय है, अगर नहीं पॉइंट निकाल पाए तो प्रेशर बढ़ेगा। बोनस पॉइंट आंध्र एजुकेशन सोसाइटी, ऑल आउट, 1+2, 3 पॉइंट्स मारवाड़ी विद्यालय। 2 मिनट का समय बचा है, 20-20 सेकंड की रेड्स हैं तो ऐसे में आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के पास टाइम रहेगा कि वो अपने लिए अंक बटोर सके। ऋषभ पिछले 5 रेड्स में 3 पॉइंट निकाले लेकिन इसमें असफल। रेडर आउट, 1 पॉइंट आंध्र एजुकेशन सोसाइटी। 5 पॉइंट्स की लीड है उनके पास, क्या महफूज कर सकते, रख सकते हैं उस लीड को? एक टच पॉइंट की मांग है, मिलना चाहिए जरूर। और बोनस प्लस वन उठाया आंध्र एजुकेशन सोसाइटी ने, तड़का अभी इन आखिरी 30 सेकंड में लगेगा। डिफेंस एक बार फिर से टूट पड़ा, एक और रेडर को यहां रोक लिया गया है। काफी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन, 1-4 विघ्नेश के पास 3 सक्सेसफुल और 2 अनसक्सेसफुल रेड्स आई हैं। इस बार पॉइंट लिया है, क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम सही है और इस बार जल्दी पहुंचे अपनी तरफ। 1 पॉइंट आखिरी रेड हो सकती है ये, अगर आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के डिफेंस ने काम किया। नहीं, गलती हो गई, मारवाड़ी विद्यालय बहुत करीब यहाँ एक जीत के। खैर यहाँ पर भी अगर मल्टी पॉइंट रेड हो गई, और नहीं, रेडर आउट। अनमोल दुबे थे, सुर्खियों के विषय होने चाहिए मारवाड़ी विद्यालय जिन्होंने कमबैक इतना शानदार किया है। जिस तरीके का कमबैक हम प्रो कबड्डी में देखते हैं वैसा ही केबीडी जूनियर्स के ये इस टीम ने करके दिखाया।